कुछ हफ्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन वाई पीसी एंड कंसोल प्लेयर्स डोंट प्रेफर मोबाइल गेमिंग। वो वीडियो का रिस्पांस काफी अच्छा था और आप लोगों के भी काफी मैसेजेस आए कि आपको अब एक वीडियो देखनी है मोबाइल गेमिंग के पर्सपेक्टिव से। तो चलो आज की वीडियो में जान लेते हैं कि व्हाई डू पीपल एक्चुअली प्रेफर मोबाइल गेमिंग। लेट्स गो। मोबाइल गेम्स की बेस्ट बात यह है कि दे आर अवेलेबल ऑन द गो। आप हर समय एंटरटेन रह सकते हो बाय जस्ट कैरिंग योर फोन विद यू। पहले मोबाइल में काफी कैजुअल गेम्स खेले जाते थे जो आप लिटरली कहीं से भी बैठ के खेल सकते थे। इसका बेस्ट एग्जांपल कैंडी क्रश है। ये गेम किसने नहीं खेला होगा यार, और ये गेम मेरे घर में कितना पॉपुलर था यार, ये तो मैं ही जानता हूँ। कैंडी क्रश का वो गाना आज भी मुझे हॉन्ट करता है, नॉट गोना लाई। पर अब इंडिया में डेटा इतना अफोर्डेबल हो चुका है कि अब तो लोग ऑनलाइन गेम्स भी खेल लेते हैं मोबाइल में। मैं तो खुद इतने लोगों को रोज देखता हूँ जो ट्रैवल करते समय मोबाइल में कुछ ना कुछ खेलते ही रहते हैं, चाहे वो लोकल में हो, बस में हो या मेट्रो में हो। बस दिल्ली मेट्रो में नहीं, बिकॉज वहाँ तो कुछ अलग ही सीन चलता है। और मोबाइल में ऐसे काफी ज्यादा गेम्स है जो आप कभी भी खेल सकते हो। जब मनाया आप उनको पॉज कर सकते हो, जब मनाया खेल लो फिर से। तो इन जनरल मोबाइल गेम्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो अवेलेबल है एनी टाइम एंड एनीवेयर। सबसे बड़ा रीजन ऑफ व्हाई पीपल प्रेफर मोबाइल गेम्स इज बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली फ्री। पीसी के बड़े गेम्स मोबाइल में फ्री होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़े टाइटल्स ही ले लो, पबजी काफी टाइम के लिए पेड था ऑन पीसी, जहां पे प्लेयर्स को 999 रुपए देने पड़ते थे टू प्ले द गेम। पर पबजी का मोबाइल वर्जन हमेशा से फ्री टू प्ले था। अब वो बात अलग है कि मेरे जैसे काफी लोगों ने पबजी मोबाइल में 999 से तो काफी ज्यादा ही स्पेंड करा होगा। सेम गोज विद कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इज ऑल्सो फ्री टू प्ले, और ये गेम्स लाखों लोग खेलते हैं ऑन अ डेली बेसिस। और फ्री चीजें किसको नहीं पसंद यार, मुझे तो काफी पसंद है। और इंडिया में तो पीसी और कंसोल गेम्स बहुत महंगे आते हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि लोग जो फ्री मिल रहा है उसको प्रेफर करेंगे रादर देन कोई गेम के लिए 4000 रुपए देना। और पिछले कुछ सालों से मोबाइल में काफी वेल ऑप्टिमाइज्ड गेम्स भी आने लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों का गेमिंग एक्सपीरियंस और अच्छा हो गया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मोबाइल गेम्स सबके लिए हैं। दे केटर ऑल ऑडियंसेस फॉर ऑल एज ग्रुप्स। आपको गूगल प्ले स्टोर में हर टाइप के गेम्स मिल जाएंगे, बच्चों के लिए, यंग एडल्ट्स के लिए और एडल्ट्स के लिए भी। एंड व्हेन यू रियली थिंक अबाउट इट, मोबाइल गेम्स में डिवर्सिटी काफी ज्यादा है। पोज गेम्स हो या बैटल रॉयल गेम्स, FPS गेम्स, आर्केड गेम्स, बोर्ड गेम्स, सब अवेलेबल है काफी बड़े नंबर्स में। मतलब प्लेयर्स के पास काफी ऑप्शंस हैं इन ऑल द जॉनरास। लाइक जस्ट इमेजिन आप मोबाइल पे कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो और आपके साइड में आपको कोई मिडिल एज पर्सन दिखता है जो सेम मोबाइल में बबल शूटर खेल रहे हैं, या फिर कोई स्कूल गोइंग किड जो सबवे सर्फर खेल रहा है। लिटरली सबके लिए कुछ ना कुछ है, एंड मोस्ट ऑफ दीज गेम्स आर अगेन फ्री टू प्ले। अब ये कोई सीक्रेट नहीं है कि मोबाइल गेमिंग इंडिया में काफी इकोनॉमिकल पड़ती है इन कंपैरिजन टू पीसी एंड कंसोल्स। सोनी का लेटेस्ट कंसोल PS5 ही इंडिया में 45,000 रुपीस से शुरू होता है, पर इंडिया में मोस्ट रिटेलर्स PS5 को बंडल में सेल कर रहे हैं तो कॉस्ट 50,000 प्लस हो जाता है। रही बात एक्सबॉक्स की, तो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और एस का प्राइस 40,000 के ऊपर है। और हाल ही में रिलीज हुआ स्टीम डेक के 64GB वेरियंट का प्राइस 53,900 रुपीस है। अब ये प्राइसेस के कंपेरिजन में कोई भी लो या मिड रेंज स्मार्टफोन 10-25,000 रुपीस के रेंज में आ जाता है। और स्मार्टफोन मल्टीपर्पज गैजेट है जिसमें गेम्स भी चल जाते हैं अच्छे से। और आज के टाइम पे एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली 10,000 रुपए खर्च करके एक स्मार्टफोन लेने का तो सोच सकती है, पर 40,000 और 50,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है फॉर अ डिवाइस जिसमें आप सिर्फ गेम्स खेल सकते हो। एंड ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडिया को एक मोबाइल फर्स्ट मार्केट माना जाता है। और मेरे को तो लगता है कि मोबाइल गेमर्स आर विनिंग एट लाइफ। मतलब फोन अगर एक इकोनॉमिकल प्राइस में आ जाए और अगर बाकी के गेम्स फ्री टू प्ले हैं तो और चाहिए क्या। और अभी कोई कंसोल गेमर अगर ये वीडियो देख रहा है तो एक बार बताओ यार, कैसा लगता है हर दूसरे ओवरप्राइस गेम को खरीदने में। अभी तक ये साल पीसी गेमर्स के लिए बहुत दर्द भरा रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये साल के थोड़े बड़े पीसी रिलीजेस एकदम फ्लॉप रहे हैं। मतलब इन गेम्स के लॉन्च के समय गेम काफी ज्यादा ब्रोकन था। सबसे पहले स्क्वायर इनिक्स का गेम फोरस्पोकन जो जनवरी में लॉन्च हुआ, रिलीज के समय गेम में बहुत इश्यूज एंड बग्स थे जिसकी वजह से प्लेयर्स का एक्सपीरियंस काफी खराब हुआ। सेम चीज हुई EA के गेम वाइल्ड हार्ट्स के साथ फरवरी में, और फिर मार्च में वो लॉन्ग फॉलन डायनेस्टी का भी सेम हाल था। और जब लग रहा था कि अब चीजें ठीक होंगी और बाकी के गेम्स ढंग से रिलीज होंगे, तभी भैया एंट्री हो गई द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 की। ये गेम की जितनी बात कम करें ना उतना ही अच्छा होगा। थोड़ी सी उम्मीद थी स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर से, पर ना ऐसे कैसे सब ठीक हो जाएगा। जब तक प्लेयर्स फ्रस्ट्रेट ना हो तब तक कहां मजा आएगा। सॉरी थोड़ा मेरा रैंट भी निकल गया, पर मेरा ये सबसे एक ही चीज समझाने का मोटिव था कि मोबाइल में गेम रिलीजेस काफी प्रॉपर होते हैं, वो भी काफी हद तक। एंड मोस्ट मोबाइल रिलीजेस में ऐसा कुछ ज्यादा इशू होता भी नहीं है। और बाय द वे मोबाइल में ऐसे थोड़े हैवी गेम्स भी हैं जो काफी वेल
ऑप्टिमाइज्ड है। फॉर एग्जांपल जेंशन इंपैक्ट और होंगकाई इंपैक्ट 3 को ही देख लो, कितने प्यारे तरीके से उनको मोबाइल में अडैप्ट किया गया यार। पर आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस पॉइंट पे आपका क्या ओपिनियन है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई गेम डेवलपमेंट कंपनी का स्टूडियो टूर देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। ये जानना है कि एक गेम बनाने के लिए कितना एफर्ट लगता है तो राइट वाली पे। मैं विल जस्ट नो और मैं मिलूंगा आपको अगली बार एक नई वीडियो के साथ। अंटिल देन कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग।